इस हफ्ते हमारे यहाँ बड़े सारे नए रेस्क्यूज आए हैं, तो मैं आपको जो नए चेहरे हैं उनसे भी मिलवा देता हूँ और जो पहले वाले हैं उनका भी अपडेट दे देता हूँ। ये दुर्योधन है, ये नगरोटा से आया। तानिया जी ने इसके बारे में हमें एक महीना पहले कॉल करी थी क्योंकि इसके टेस्टिकल्स में बहुत बड़ा वुंड है, पर जब हम इसे लेने गए हमें मिला नहीं था। फिर उन्हें ये दोबारा मिला, उन्होंने इसको बांध लिया और हमने गाड़ी भेजी और इसको यहाँ पे ले आए हैं। अमूल तो पूरी तरह ठीक है, पर डार्क चॉकलेट को बीच में डायरिया हो गया था। फिलहाल इसका जो स्टूल है सेमी सॉलिड हो गया है, पर अब ये पहले से बेहतर है। सिंघम इसका क्या था, क्योंकि जब इसके सींग में चोट लगी थी तो इसका सींग मुड़ के थोड़ा इसके मुंह के ज्यादा करीब आ गया था, और वो जब सींग नेचुरली बढ़ा तो इसके फेस में घुसना शुरू हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ, तो इसका हमें सींग जो है काटना पड़ा है। फिर ये जो छोटा सा बैल आया है इसका नाम हमने बैलरीनो रखा है। इसके आगे वाले पैर में फ्रैक्चर है। इसके बारे में मेघना जी ने हमें शीला चौक से कॉल किया था, तो हम इसको ले आए। इसको पहले तो स्प्लिंटिंग करी थी, अगले दिन इसका प्लस्तर हुआ है और इसको हमने शू इसीलिए पहना रखा है ताकि इसका प्लस्तर गीला ना हो। एक और जो छोटी गाय हमारे पास आई है वो एक गौ सदन से आई है। ये जब वहां पे आई तो इसके पैर पे स्प्लिंट हो रखा था, पर इसको किसी ने चेक नहीं किया। एक महीने तक इसका पैर गल के गिर गया। अब वैसे तो छोटी है, तीन पैर पे रह लेगी, पर क्योंकि आगे वाला पैर कटा हुआ है तो थोड़ी इसको दिक्कत तो रहेगी। हमारे यहाँ स्टेट में तो कोई ऐसा नहीं है कि इसका नकली पैर लग सके। अगर किसी और स्टेट से कोई डॉक्टर यहाँ पे आए तो हम कोशिश करेंगे कि इसका नकली पैर लग जाए। हमने इसका नाम अहिल्या रखा है, शायद राम जी इसका भी उद्धार कर दें। इसके अलावा हमारे यहाँ एक पपी भी आया है जिसको विवेक जी ने कांगड़ा से भेजा है। उसका टेम्प लो था तो उसको हमने ओटी में रखा हुआ है, वहां पे हीटर चला रखा है। इस समय तो उसका टेम्प जो है ठीक हो गया है। इसका नाम हमने लिलीपुट रखा है। एक और जो डॉग है वो राजू जी और दीपक जी ने भाली से भेजा है। उसके नेक में मैगट वुंड है, तो पहले तो वो लोग उसका खुद इलाज करते रहे, लेकिन जब उनसे बात बनी नहीं तो उन्होंने हमें कॉल किया। ये अभी शर्मीला है, कल ही यहाँ पे आया है। ये एसयू के में पढ़ाई शटडाउन से, अभी हमने इसका नाम भी नहीं रखा क्योंकि हमें इसकी पर्सनालिटी का ही पता नहीं है। आप लोग अगर कुछ सजेस्ट करेंगे तो बताइएगा। गंधारी आपको याद होगा, उसकी आंखों का यहाँ पे इलाज चल रहा था, वो पूरी तरह ठीक हो गई और हम उसको जहां से लाए थे बग्गा कुठेर वहीं पे उसको वापस रिलीज कराए। आप हमारे लिए तो ये गुड न्यूज है, हमारे लिए तो सक्सेस स्टोरी है, पर गंधारी वापस सड़कों पे है तो मुझे नहीं पता कि वो इसको गुड न्यूज मानेगी या नहीं। फिर तरबूज जो बहुत टाइम से यहाँ पे टिका हुआ था उसको करण जी ने हमीरपुर से अडॉप्ट किया है। जब करण जी और उनके दोस्त उसको लेने आए तो वो तो उनसे बिल्कुल चिपक ही गया जैसे बरसों से उनको जानता हो। इसके अलावा कद्दू को हमारे ही टीम के सदस्य नवीन ने अडॉप्ट किया है। नवीन ने इसका नाम मठरू रखा है। आई होप कि नवीन और करण दोनों ही जिम्मेदार पेट ओनर रहेंगे। जैसे अभिषेक जी जिन्होंने मस्त राम को हमसे अडॉप्ट किया, वो उसको स्पेशली 6-in-1 की बूस्टर वैक्सीन लगवाने लेके आए। तो यही है जिम्मेदार पेट ओनरशिप, डीवर्मिंग कराना, समय रहते वैक्सीनेशन कराना, बीमार होने पे अपने पेट को वेट के पास लेके जाना। अब देखिए पेट्स की जिम्मेदारी तो उनके परिवार वाले ले लेते हैं, पर जो सड़क पे बेसहारा पशु हैं वो आपके भरोसे हैं। अब डॉक्टर अंकित ने अपने बर्थडे वाले दिन सारी जो गाय हैं यहाँ पे, कुत्ते हैं, बिल्लियाँ हैं, उनके लिए खाना डोनेट किया। दिल्ली से वरुण जी ने भी कुछ ऐसा ही किया। तो अगर साल में सिर्फ एक दिन भी जो हमारे आसपास बेसहारा पशु हैं हम उनकी जिम्मेदारी ले लें तो ये बेचारे बेसहारा नहीं कहलाएंगे। खैर अब मैं प्रोडक्ट्स की बात करता हूँ, तो प्रोडक्ट्स वाले आज अपना एक नया प्रोडक्ट आज लॉन्च कर रहे हैं। इसका वीडियो आज आएगा, इसके बारे में आपको अगली बार बताऊंगा, या आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़िए जहाँ पे हम माइक्रो अपडेट्स देते रहते हैं। आप टेलीग्राम ऐप पे पीपल फार्म की सर्च करिए। थैंक यू।